ठीक है, जैसे ही बाइक का स्टैंड डाउन होता है, इसको जैसे ही मैंने गिराया, देखिए ऑटोमेटिकली स्टार्ट छोड़ दे रही है बाइक। तो साइड स्टैंड कटआउट का सुविधा आपको 2022 मॉडल में किसी मॉडल पे मिल जाएगा, न्यू पल्सर एनएस 125 में। द ऑल न्यू 2022 एनएस 125, देखिए मीटर कंसोल पे भी आपको थोड़ा सा अपडेट मिलेगा। यहाँ पे देखिए डिजिटल टाइम के नीचे जहाँ पे किलोमीटर शो करता है ना, वहाँ पे देखिए थोड़ा सा अपडेट की गई है। बाकी एक बार मैं आपको बाइक का साउंड सुना दे रहा हूँ, बाइक का स्टार्टर सुनो। देखिए हेडलाइट कंसोल आर सेम, इसमें कुछ भी अपडेट आपको नहीं मिलता है, एंड नॉन फ्लेक्सिबल इंडिकेटर भी आपको इस बाइक पे मिल जाएगा। कलर का फिक्स, हैंडल बार इसमें सेम है, एंड इंजन पावर भी। सो दोस्तों, नया जो इंजन कट ऑफ सेंसर ऐड हुआ है उसके वजह से मीटर कंसोल पे आप थोड़ा सा अपडेट देखोगे। इधर आप देखिए दो डॉट है, इस किल स्विच अगर मैं ऑफ कर दूं, तो न्यूट्रल भी नहीं जलेगा। जब इसको ऑन करिएगा ठीक है, तब आपको पूरा इग्निशन आ जाएगा, पूरा डिटेल्स तब मुझे मिलेगा। हाँ, तब तक आप गाड़ी को स्टार्ट नहीं कर सकती है, ठीक है। सो दोस्तों, बहुत ही बढ़िया फीचर्स दी गई है 2022 मॉडल में, जो पिछले वाले मॉडल में आपको नहीं मिलता था। मतलब साइड स्टैंड कटआउट का सुविधा अब आपको मिल जाता है न्यू पल्सर एनएस 125 में। सो जैसे ही स्टैंड गिरता है, देन बाइक ऑटोमेटिकली स्टार्ट छोड़ देती है, एंड 5-speed गियर बॉक्स है, एंड यहाँ पे देखिए स्टार्ट छोड़ दिया बाइक ने। तो साइड स्टैंड कटआउट का सुविधा अब आपको इस मॉडल पे मिलेगा। एक बार सुनो, उठा करो, देखिए बाइक चालू है, एंड देन जैसे ही स्टैंड गिरता है, दबाओ सुनो, देखिए स्टार्ट छोड़ दिया बाइक ने। और एक बार मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, और एक बार सुनो, देखो जिसका देखिए स्टार्ट ऑटोमेटिकली छोड़ दे रही है। जब भी आप साइड स्टैंड को डाउन करोगे तो ऑटोमेटिकली बाइक स्टार्ट छोड़ देती है। तो पहले पिछले वाले मॉडल में जो था ये सुविधा आपको नहीं मिलता था, बट अभी आपको 2022 मॉडल में साइड स्टैंड कटआउट का सुविधा मिल जाएगा। बाकी बाइक में और कुछ अपडेट आपको नहीं मिलता है, सेम वही फ्रंट में आपको थोड़ा सा कार्बन फाइबर टाइप स्टिकरिंग एंड नॉन फ्लेक्सिबल इंडिकेटर मिल जाएगा। नहीं, फ्लेक्सिबल है इंडिकेटर, नॉन फ्लेक्सिबल नहीं, फ्लेक्सिबल है। बाकी हेडलाइट कंसोल भी सेम है, क्लिप ऑन हैंडल बार, मीटर कंसोल, फ्यूल टैंक कैपेसिटी, ईच एंड एवरी डिटेल आपको सेम मिल जाएगा। एनएस 125 रिटर्न भी सेम ही है, इसमें भी कुछ भी अपडेट नहीं। 2021 वाला मॉडल है, इसमें देखिए साइड स्टैंड लगाओ सुनो, देखिए गियर में बाइक को दिया और साइड स्टैंड गिराया, देखिए बाइक अभी भी स्टार्ट छोड़ नहीं रही है, मतलब बाइक अभी भी स्टार्ट है। बट 2022 मॉडल में क्या हो रहा है कि साइड स्टैंड कटआउट सेंसर की वजह से इंजन स्टार्ट छोड़ दे रही है। हमारा नाम सुनो, देखिए और एक बार मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, देखिए बाइक गियर में दिया एंड स्टैंड को डाउन किया, देन अभी भी बाइक स्टार्ट है, देख लीजिए। तो इसमें आपको कटआउट सेंसर का सुविधा नहीं मिलता था, बट अभी 2022 मॉडल में आपको कटआउट सेंसर का सुविधा मिल जाएगा।